भारत हमारा महान देश जो मुख्तलिफ धर्मों और मज़ाहिब का गुलदस्ता है। हर मज़हब के मानने वाले अपने अपने त्यौहार अपने अपने तरीके मुताबिक मनाते हैं। इस्लाम में बड़ी दो ईदें हैं, दो त्यौहार हैं, जो एक रमज़ान के रोज़ों के बाद आती है और ये एक बड़ी ईद कहलाती है जो हज के मौके पर जो आती है। ये भी क़ुरबानी के बाद जो एक बाप बेटे और माँ की क़ुरबानी है, जो आज से 4000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो खुदा ताला के एक नबी और अवतार थे, उन्होंने खुदा के हुक्म से अपनी बीवी को और छोटे बच्चे को, दूध पीते बच्चे को मक्का की वादी में जहां ना दाना ना पानी कुछ नहीं था वहां पर छोड़ दिया। मगर खुदा ने वादा दिया था कि यहां खुदा की इबादत का घर बनेगा और दुनिया भर से यहाँ पर लोग इबादत के लिए आएँगे। चुनांचे देख लें कि वो उनकी क़ुरबानियों का फल ऐसा अल्लाह ताला ने दिया और ऐसा अल्लाह ने अपने वादे को पूरा किया कि आज जो है इस साल 20 लाख के करीब जो है वो हाजी दुनिया भर से वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तवाफ़ कर रहे हैं और क़ुरबानियाँ दे रहे हैं। और जहाँ तक क़ुरबानी का मसला है, भेड़ बकरी जो क़ुरबान किए जाते हैं, ज़ुबह किए जाते हैं, उनका गोश्त तकसीम किया जाता है, उसका फ़लसफ़ा उसकी लाजिक ये है कि जिस तरह हम भेड़ बकरी को गिराकर उसके गले पर छुरी फेरते हैं, इस तरह ये खून, ये क़ुरबानी का खून और गोश्त खुदा को नहीं पहुंचता, बल्कि उसके पीछे जो भावना है, जो जज्बात हैं और जो नीयत है वो खुदा को पहुंचती है। कि वो ये है कि जिस तरह ये भेड़ बकरी को हम गिरा लेते हैं और छुरी फेरते हैं, इसी तरह हम अपने रब के, अपने खुदा के आगे लीन हो जाएं और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, खुदा की भक्ति करें, मानवता की खिदमत करें। यही जो है वो धर्म के और इस्लाम का और हर मज़हब का यही दो बड़े मकसद हैं कि खुदा की भक्ति करें, खुदा के जो गुण हैं, खुदा के जो औसाफ़ हैं वो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें और इंसानियत की खिदमत करें। यही पैगाम है ईद उज़ुहा का, जो मैं तमाम भारतवासियों को और पंजाब के लोगों को ईद मुबारक के पैगाम के साथ देना चाहता हूँ।